ज़ेन फिलॉसफी की प्रैक्टिस में बहुत सारे मास्टर्स हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को बहुत सिंपली समझा दिया। आज फिर से इमोशनल इंटेलिजेंस की गहराई को थोड़ा सिंपली समझने के लिए एक ज़ेन स्टोरी सुनाती हूँ। जापान के सामुराई वॉरियर्स बहुत ही बहादुर और खूंखार हुआ करते थे, जिसकी वजह से उनको बड़ा रिस्पेक्ट किया जाता था। ऐसे ही एक सामुराई को लाइफ के बारे में ज्ञान लेने की इच्छा हुई। बस वो पहुंच गया एक मशहूर ज़ेन मास्टर के पास। क्योंकि उसे सिर्फ लाइफ और डेथ के बारे में ही पता था, तो उसने कहा, मास्टर आप मुझे हेवन और हेल के बारे में बताइए। मास्टर ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम जैसे बेवकूफ़ को सिखाऊं? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरी एक भी बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी? चले जाओ यहाँ से। उनकी ऐसी फटकार सुनकर पहले तो सामुराई चौंक गया, फिर कंफ्यूज हुआ और फिर आया उसे गुस्सा। मास्टर है तो क्या हुआ, उसकी क्या मजाल कि इतने बड़े सामुराई की इंसल्ट करे। उसने तुरंत अपनी तलवार निकालकर मास्टर के गर्दन पर रख दी और बोला, आपने मुझे समझ क्या रखा है? तो ज़ेन मास्टर बोले, यही है नर्क का द्वार, हेल का रास्ता। उनकी बात सुनकर गुस्से में तमतमाते सामुराई को रियलाइज़ हुआ कि ये सब मास्टर की उसे सिखाने की कोशिश थी कि कैसे गुस्से और ईगो में वो अंदर से जल रहा था, जैसे नर्क की आग में जल रहा हो। तुरंत उसका गुस्सा शांत हो गया और उसने तलवार वापस खींच ली। नीचे झुककर उसने मास्टर के आगे बाव किया। तब मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, और ये है हेवन। देखा ना आपने, कैसे इतनी आसानी से ये बात समझा दी कि हेवन और हेल दोनों हमारे अंदर ही समाए हैं। हेलो, नमस्ते, मैं हूँ मोनल जैन और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट विस्परिंग विजडम, जिसमें हम लाइफ को थोड़ा बारीकी से समझकर उसे और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। विस्परिंग विजडम के इस एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और इस एपिसोड में पेश करती हूँ कुछ थॉट्स और आइडियाज़ इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने और डिवेलप करने पर। हेवन एंड हेल, स्वर्ग और नर्क, लाइफ के बाद की जर्नी किसने देखी है? लेकिन एक चीज़ श्योर है और वो है जीते जी हर पल इस मोमेंट का एहसास। क्या इस मोमेंट में हम हेल में जी रहे हैं या हेवन में? या इससे बेटर क्वेश्चन ये होगा कि क्या हमने हेवनली लाइफ जीना सीखा है, जिसमें चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस हों हम अपने इमोशंस मैनेज कर सकते हैं, या हेल जैसी लाइफ जिसमें हम एक विक्टिम हों हमारी सिचुएशंस के, आसपास के लोगों के। एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। मान लो आज आपकी लाइफ का लास्ट डे है। आपसे कहा जाता है कि इस लाइफ का बेस्ट मोमेंट चूज कर लो और वही मोमेंट आप इटर्निटी तक जियोगे। आप कौन सा मोमेंट चूज करोगे? और अगर लाइफ का हर पल वैसे ही होने लगे तो लाइफ हेवनली नहीं हो जाएगी? क्या यही हेवन नहीं है? ये बात ही प्रूफ है कि हम सब मोमेंट टू मोमेंट स्वर्ग या नर्क में जीते हैं अपने इमोशंस और फीलिंग्स के थ्रू। तो एज अ डेली प्रैक्टिस हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी और दूसरों की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा हेवनली बनाएं और हेलिश मोमेंट्स को मिनिमाइज करें। लेकिन कैसे? सिर्फ बेटर सर्कमस्टांसेस की इच्छा रखकर या उनके लिए प्रे करके नहीं, बल्कि एक्टिवली अपने इनर वर्ल्ड, अपने अंदर के मन की दुनिया को समझकर, उसके बारे में सीखकर ग्रो और चेंज होते रहें। लाइफ एक एक्टिव प्रोसेस है जो हर पल कुछ नया लाएगी, नया सिखाएगी। हम सोचें कि अगर बचपन में जिद करके चॉकलेट खाना हमारा नेचर था, तो आज भी वही इमोशनल वॉइस से चलते रहना चाहिए, तो क्या ये सही होगा? नहीं ना। तो ग्रो और चेंज होने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि इमोशंस के बारे में हमें क्या पता है और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। कोई भी इमोशन फील करने के चार कॉम्पोनेंट्स होते हैं। ये हैं, कोई सिचुएशन जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस सिचुएशन में हम पर लागू होने वाली कोई चीज़ जो हमारा ध्यान खींचती है, उसका हमारे लिए क्या मीनिंग है, यानी हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, और फिर हमारा क्या रिस्पॉन्स होता है। कोई भी रिस्पॉन्स
एक्शन के फॉर्म में, फेस के एक्सप्रेशंस के फॉर्म में, या बॉडी में इंटरनल कोई चेंज के फॉर्म में होता है। इस तरह से हमारी इमोशनल जर्नी में एक पूरा प्रोसेस होता है। नाउ व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी डैनियल गोलमैन नाम के साइकोलॉजिस्ट ने काफ़ी पॉपुलराइज की थी कॉमन पब्लिक में अपनी इसी नाम की बुक से। इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। जो इस टॉपिक के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं वो इस लिंक के थ्रू ये बुक खरीद सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई भी इंसान की एबिलिटी होती है खुद के और दूसरे लोगों के इमोशंस आइडेंटिफाई करके समझने की, उन्हें अच्छे से एक्सप्रेस करने की, मैनेज करने की और उन्हें यूज़ करने की दूसरों के साथ बेटर कम्युनिकेशन के लिए। एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान के पास अच्छी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस यानी खुद को समझने की एबिलिटी और इंटरपर्सनल यानी दूसरों को समझने की एबिलिटी होती है। उसे खुद की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का क्लियर अंदाज़ा होता है। वो अपनी कमियों से घबराता नहीं है बल्कि वो खुद को जल्दी से एक्सेप्ट कर सकता है। लाइफ में जनरली कॉन्फिडेंट होता है। वो खुद की नीड्स को समझकर आसानी से एक्सप्रेस कर सकता है और इमोशनल बाउंड्रीज सेट करके बिना हिचकिचाए दूसरों को ना बोल सकता है। वो एक सेट दिमाग के बदले अपनी सोच में फ्लेक्सिबिलिटी रखता है और जो वो सोच रहा है उसके अलावा के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए ओपन माइंडेड रहता है। वो ज़्यादातर प्रॉब्लम से डिस्करेज नहीं होता और वापस से भी जल्दी बाउंस बैक कर सकता है। साथ ही वो मिस्टेक्स और क्रिटिसिज्म से अपसेट होने के बदले उनसे सीखता है। वो इमोशनल वूंड्स जैसे फेलियर और रिजेक्शन से जल्दी ऊपर उठ जाता है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में वो दूसरों की फीलिंग्स को भी जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकता है और वो क्या महसूस कर रहे हैं ये क्लैरिटी से समझ पाता है। वो दूसरों के प्रति जजमेंटल नहीं होता। लोगों का नज़रिया समझकर उनके लिए एम्पथी या समानुभूति रखता है, यानी जो वो महसूस कर रहे हैं उसे खुद भी महसूस कर सकता है। वो खुद की और दूसरों की गलतियों को जल्दी से लेट गो कर सकता है। वो कोई भी सिचुएशन को सिर्फ इमीडिएट हालात से नहीं बल्कि एक लार्जर पर्सपेक्टिव से देखता है। वो प्रॉब्लम्स को इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करता है जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो। वो एक अच्छा लिसनर होता है जो दूसरों की बात को अटेंशन देता है। माय गॉड, इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं जो मैं भी अपने अंदर डेवलप करना चाहती हूँ। व्हाट डू यू थिंक? तो क्या इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप किया जा सकता है? कुछ लोग ज़रूर दूसरों से ज़्यादा इमोशनली अवेयर होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के सामने सब कोई रिलैक्स महसूस करते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और वो भी ऐसा ही कर सकते हैं। ऐसे लोग नेचुरली या उनके अपब्रिंगिंग या एक्सपीरियंसेस के वजह से इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन हम में से कोई भी अपनी इस इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकता है। इसके लिए कुछ इमोशनल रेगुलेशन की टेक्निक्स हम सीख सकते हैं। आपने गौर किया है कि हम जब भी किसी से मिलते हैं तो एक बहुत कैजुअल वे में पूछते हैं हाउ आर यू, और उस पर उतना ही जेनेरिक रिप्लाई मिलता है गुड या फाइन या मैक्सिमम ओके। हम सब जानते हैं कि उन्हें अंदर से चाहे जो भी फील हो रहा हो लेकिन ऑन द फेस यही रिप्लाई देना है। और सच पूछिए तो अगर कोई और जवाब मिलेगा तो हम शायद अनकंफर्टेबल भी हो जाएंगे। हमें अपनी या दूसरों की रियल फीलिंग्स जानना थोड़ा रिस्की लगता है और इसलिए उन्हें अवॉइड करते रहते हैं, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए उन्हें फेस करना इम्पॉर्टेंट है। हम एक प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है अपने इमोशंस को रिकग्नाइज करना। हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि हमारा मूड कैसा है, उसकी एनर्जी कैसी है, इससे हमें अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। जब इस बात की क्लैरिटी हो जाए तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये फीलिंग्स क्यों फील हो रही हैं, खासकर अगर कोई नेगेटिव या अनकंफर्टेबल फीलिंग हो तो। क्या कुछ रिसेंटली ऐसा हुआ जिससे ये फीलिंग आई, या वो इंसान के कनेक्शन में पहले कोई और अनप्लेजेंट इंसिडेंट हो चुका है, या ऐसी सिचुएशन से पहले हम गुजर चुके हैं? ये समझने से हमें पता चल सकता है कि उस इमोशन के साथ कैसे डील किया जाए। सिर्फ समझने से काम नहीं बनता, उसे करेक्टली लेबल भी करना पड़ता है
कि एग्जैक्टली क्या इमोशन है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। हमें शायद शुरुआत में ज़्यादा रेंज ऑफ वर्ड्स ना मिलें डिस्क्राइब करने के लिए हमारे इमोशंस को, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि न्यूरोसाइंस ने देखा है कि जब हम एक वर्ड उससे एसोसिएट कर देते हैं तो ब्रेन में उस वर्ड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन माइंड में स्टोर्ड है वो हमें मिल जाती है और हम उसे बेटर मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए हम एक सिंपल सा टूल जिसे व्हील ऑफ इमोशंस कहते हैं उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है अपने इमोशन पर एक्शन लेना। एक्शन लेने का पहला स्टेप है एक्सप्रेस करना। हम कई बार इमोशंस एक्सप्रेस करने से पीछे हटते हैं क्योंकि हमें कोई डर या शर्म होती है। हर्ट फीलिंग्स अपने आप हील नहीं होती, इसे स्टोर करने से ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि ये एक तरह का डेट बन जाता है जो कभी ना कभी तो भरना ही पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैसे भी रिएक्शन दे दें। हमारा एक इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स होना चाहिए जो ये देखकर किया जाए कि कब, किससे, कितना और किस कॉन्टेक्स्ट में रिस्पॉन्ड करना है। लास्ट स्टेप है हमारे इमोशन को रेगुलेट करना, यानी अपने अंदर उस फीलिंग की इंटेंसिटी को कम या ख़त्म करना। ये एक सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच है जो काफ़ी सिंपल भी हो सकता है। जैसे अगर कोई इंसान पसंद नहीं हो तो उससे मिलना कम से कम कर दो, या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है कि डीपली समझने की कोशिश करो कि वो क्यों पसंद नहीं। साथ ही इमोशनल रेगुलेशन बढ़ाने के लिए हमारे डेली रूटीन में कुछ प्रैक्टिसेस हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। इन प्रैक्टिसेस को इमोशनल फिटनेस कह सकते हैं। 1. माइंड वॉन्डरिंग मेडिटेशन। मेडिटेशन ओवरऑल काफ़ी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, लेकिन इमोशंस को प्रोसेस करने में ज़्यादा बेनिफिशियल है नॉन डायरेक्टिव मेडिटेशन, जिसमें कोई स्पेशल फोकस नहीं होता है, बस सांस पर ध्यान देते हैं। इससे ब्रेन को इमोशंस प्रोसेस करने की फ्रीडम मिलती है। 2. ब्रेथ वर्क, जैसे प्राणायाम या सिंपल डीप ब्रीदिंग भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रिलैक्स होने में हेल्प करती है। ये हर किसी की डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। सांस इतनी इम्पॉर्टेंट कड़ी है हमारे बॉडी, माइंड और सोल के बीच में कि इसकी कोई तुलना नहीं। हम लाइफ में भागते भागते भूल जाते हैं कि जीवन को एक्चुअली चलाने के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए और वो है सांस, और इसी पर सबसे कम ध्यान देते हैं। फिर भी ये बिना रुके हमारे लिए काम करती रहती है। 3. मूवमेंट और रिलैक्सेशन। ये आपको बहुत कॉमन सा लगेगा, लेकिन कोई भी इमोशनल रेगुलेशन फिजिकल एक्टिविटी और रिलैक्सेशन के बिना हो ही नहीं सकती। मूवमेंट में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन योगा की एक स्पेशल जगह है क्योंकि इमोशनल टेंशन हमारे एनर्जी चक्रास में स्टोर हो जाते हैं और इन्हें रिलीज करने में योगा बहुत इफ़ेक्टिव है। मूवमेंट और रिलैक्सेशन एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। हमारी मेंटल हेल्थ में दोनों की ही बहुत इम्पॉर्टेंस है। अच्छी नींद और पीरियोडिक ब्रेक्स, सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ जैसे मसाज, अरोमाथेरेपी, रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ जैसे पेट्स या बच्चों के साथ खेलना, नेचर में वॉक करना, बुक रीड करना, म्यूज़िक सुनना, ये सब भी उतने ही फ़ायदेमंद हैं। 4. जर्नलिंग। जर्नलिंग का मतलब है अपने फीलिंग्स के बारे में लिखना। आप कोई पेपर पर लिख सकते हैं या रिकॉर्ड रखना चाहें तो डायरी भी बना सकते हैं। आपने नोटिस किया है कि जब आप अपने कोई मन की बात या उलझन किसी से डिस्कस करते हैं तब बात करते करते ही आपको उसका कोई सलूशन मिल जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब कोई तरह का आउटसाइड कम्युनिकेशन होता है तो इमोशन की सारी इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज होती है, जिससे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस क्रिएट हो सकते हैं। जर्नलिंग भी एक आउटसाइड कम्युनिकेशन ही है जो हम एक पेपर के साथ करते हैं। इससे वो इमोशंस हमारे अंदर से रिलीज हो जाते हैं। बाद में हम पेपर को जलाकर एक सिंबॉलिक एंड भी क्रिएट कर सकते हैं कि वो इमोशन ख़त्म हो गया, और डायरी मेंटेन करने पर हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देख सकते हैं कि हमारी इमोशनल जर्नी में क्या चेंज आया है। इसलिए दोनों ही तरीके काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। 5. रीफोकस। लाइफ में कई बार हमारा फोकस
जो लाइफ में बुरा हो रहा है उस पर इतना ज़्यादा होता है कि हम नेगेटिव इमोशंस की तरफ झुक जाते हैं। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। ऐसे में लाइफ के छोटे बड़े जॉयस को काउंट करने की आदत डालने से फोकस लाइफ के अच्छे की तरफ चला जाता है और नेगेटिव इमोशंस इतने इंटेंस नहीं लगते। इसके लिए ग्रैटिट्यूड या शुक्राना बहुत काम करता है। यह हमें लाइफ का भूला हुआ पहलू, जिसे हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमारे पास खुश होने के लिए कितना कुछ है, वो फिर से याद दिला देता है। उसे बोलकर या लिखकर हर रोज करने से काफ़ी फर्क पड़ता है। नंबर 6, एक्टिव लिसनिंग। दूसरों की फीलिंग समझने के लिए एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। हम ज़्यादातर जब किसी की बात सुन रहे होते हैं तब हमारा ध्यान उस बात को एनालाइज करके हमें आगे क्या बोलना है उस पर होता है और हम उनके इमोशंस को रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। एक्टिव लिसनिंग में आप किसी और की बात सिर्फ उन्हें समझने के लिए सुनते हैं, एक इमोशनली सेफ स्पेस देते हैं जिसमें कोई जजमेंट और कोई एडवाइस नहीं होती। उसमें आप अपना व्यू उन पर नहीं डालते, सिर्फ उनकी बात सुनते हैं। नंबर 7, पर्सपेक्टिव चेंज। जब भी इमोशंस काम डाउन हो जाएं, तब रैशनल थिंकिंग से उस सिचुएशन को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश करें। पर्सपेक्टिव बदलने से माइंडसेट चेंज आ सकता है और आपकी सोच विशाल हो जाती है। इससे खुद को और दूसरों को माफ़ करने में आसानी होती है। कोई भी झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने में ये स्किल काम आती है। हमें समझ आता है कि एक ही चीज़ को देखने के कई नज़रिए हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि कोई एक ही नज़रिया सही या गलत। चाहे हम हमारे आसपास के लोगों को ब्लेम करें, चाहे हमारे काम और फास्ट लाइफ के स्ट्रेस को, चाहे सोसाइटी के तरीकों को, लेकिन सच तो यही है कि ये सारे इमोशंस हमारे हैं और हमारी ही जिम्मेदारी है इन्हें बैलेंस करने की। चाहे हम अपने अंदर हेवन बनाएं या हेल, ये हमारी एक तरह से चॉइस है कि हम अपने इमोशंस पर काम करके उनको अपना दोस्त बनाना चाहते हैं या दुश्मन बनाकर रखते हैं। इमोशंस अपने आप में ना अच्छे हैं ना बुरे। हर इमोशनल एक्सपीरियंस एक लेसन है जो हमें खुद के बारे में बताने आया है। ये तो सिर्फ हमारे इनर वर्ल्ड का आईना है। आईने पर जमी धूल साफ हो जाएगी तो आप देखना कितना सुंदर चेहरा उसके पीछे है। बाहरी दुनिया के लिए अंदर की दुनिया को ठुकरा दिया है हमने। कभी इससे दोस्ती करके तो देखिए, आपको अपनी नीड्स, अपने डिज़ायर्स से क्या डर है। आखिर पेन और हर्ट के बिना कोई अपनी गहराइयों को नाप नहीं सकता। तो खुल कर हंसिए, खुल कर रोइए और आज़ाद होकर इस ज़िंदगी के हर पल के हर इमोशन को पूरी तरह से जी लीजिए। और एंड में एक छोटा सा गिफ्ट, एक पोएम सुनाती हूँ। इंग्लिश में है लेकिन मैं समझती हूँ लव की लैंग्वेज हर किसी को महसूस हो जाती है। द ट्रूथ अबाउट योर हार्ट बाय निकिता गिल। योर हार्ट विल फिक्स इटसेल्फ। इट्स योर माइंड यू नीड टू वरी अबाउट। योर माइंड वेयर यू लॉक द मेमोरीज। योर माइंड वेयर यू हैव केप्ट पीसेस ऑफ द वंस दैट हर्ट यू, दैट स्टिल कट थ्रू यू like shards of glass. Your mind will keep you up at night, make you cry, destroy you over and over again. You need to convince your mind that it has to let go, because your heart already knows how to heal. इस एपिसोड को सुनने के लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर इनमें से कुछ विचार आपको अपने से लगे, कहीं मन को छू गए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। मेरे बारे में और जानना हो तो मेरी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इन सब की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई हैं। आप जिस भी ऐप पर मुझे सुन रहे हैं उस पर मुझे 5-स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा शो सब्सक्राइब भी कीजिए। विजडम एक सागर की तरह है जिसमें जब जब हाथ डालो तब तब एक सुंदर मोती मिलता है, लेकिन उस मोती की चमक कोई एक के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए है। और इसे जितना शेयर करो उतना ही इस मोती की चमक बढ़ेगी। इसलिए मेरा पॉडकास्ट अपने आसपास
अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए और इस विस्परिंग की चेन को बढ़ाते चलिए। अगर करनी हो जीवन को समझने की कुछ बातें, तो करते रहिए मुलाकातें।